उत्तराखंड से खबर है। जोशीमठ में डेमोलिशन की कार्रवाई फिर शुरू हुई है। कल रात करीब 9 बजे बारिश के चलते काम रुका था। होटल मलारी में चल रहा डेमोलिशन का काम, आज सुबह फिर से ये कार्रवाई शुरू हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जोशीमठ, जहां से लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, वहां से निकाला जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी महिमा जुड़ गई है जोशीमठ से। महिमा, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मेरा तस्वीरें हम दिखाएंगे क्योंकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कल से शुरू हो चुकी है। हालांकि कल देखिए जनरेटर निकाला गया, इसके साथ साथ कुछ और सामान यहाँ पर निकाला गया, लेकिन अब मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। होटल मलारीन की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और अभी यहाँ पर चूंकि कुछ देर पहले डीपी कानून घोष से बातचीत हमारी हुई थी, जो कि इंजीनियर है जिनकी देखरेख में पूरा काम चल रहा है, वही पूरा काम देख रहे हैं और उन्हीं की देखरेख में सब कुछ चल रहा है। देखिए उनकी तरफ से कहा गया कि धीरे धीरे इस फ्लोर को तोड़ा जाएगा, सबसे पहले टॉप टू बॉटम यानी कि सबसे टॉप पे जाएंगे और सबसे ऊपर जो बिल्डिंग है, फ्लोर है, उसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि देखिए एक के साथ दूसरी बिल्डिंग है और ऐसे में दूसरी बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए होटल माउंट व्यू और होटल मलारी इन दोनों को साथ साथ में तोड़ा जाएगा, यानी कि दोनों बिल्डिंग्स में एक साथ काम शुरू होगा। काम शुरू हो चुका है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सबसे पहले यहां पर खिड़कियां निकाली जा रही है, खिड़कियां निकाली जाएगी, दरवाजे निकाले जाएंगे, एक एक चीज छोटा छोटा काम यहां पर तोड़ा जाएगा। और क्योंकि ऐसे में ये भी है कि अगर आप ज्यादा तेजी से काम करते हैं तो हो सकता है कि इसके नीचे जो बाकी बहुत सारे मकान हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि धीरे धीरे इसको तोड़ा जाएगा, एक एक चीज आराम आराम से, और इसीलिए 7 से 8 या हो सकता है कि 10 दिन इस बिल्डिंग को तोड़ने में लग जाए ये बिल्डिंग। इसके बीच में आपको इसी के साथ साथ देखिए होटल मलारीन आप देख रहे हैं, इसके साथ जो बिल्डिंग है इसके आगे दूसरा होटल है, होटल माउंट व्यू, तो उस होटल को तोड़ा जाएगा। हमने उनसे सवाल ये पूछा कि क्या पहले आप होटल मलारीन को तोड़ेंगे और होटल माउंट व्यू कब टूटेगा, तो उनकी तरफ से कहा गया क्योंकि ये पहाड़ है और पहाड़ों में परिस्थितियां और ज्यादा मुश्किल हो जाती है और चीजें, चूंकि यहाँ पर देखिए मौसम भी एक बड़ी चुनौती है, इसलिए इन दोनों बिल्डिंग्स को हम पैरेलल यानी कि साथ साथ तोड़ेंगे, ऊपर से दोनों का काम शुरू होगा। अब थोड़ा आप अगर इधर को आएंगे तो देखिए यहाँ पर अभी बिजली के जो खंभे हैं उनसे तारे लगातार निकाली जा रही है ताकि करंट या फिर इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर ना हो। पूरी तरह से पुलिस भी अपने दल बल के साथ तैनात है, आप देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात है और बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। आगे की ओर आप जाएंगे तो एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर है, लेकिन एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस लगातार बार बार अलर्ट लोगों को कर रहा है कि आप अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ी देर में मशीनरियां शुरू हो जाएगी। और देखिए ये पुलिस प्रशासन ने अभी और यहाँ पर अलर्ट कर दिया है लोगों को और कड़ा पहरा यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने लगा दिया है क्योंकि खंभों से तारे यहाँ पर लगातार निकाली जा रही है। तो देखिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चूंकि शुरू हो चुकी है तो मुझे लगता है कि 7 से 8 या 10 दिन और लगने वाले हैं। अभी सिर्फ उत्तराखंड, माफ कीजिएगा, जोशीमठ में सिर्फ और सिर्फ इन दो होटल्स को तोड़ा जाएगा, बाकी किसी बिल्डिंग को यहाँ पर तोड़ा नहीं जाएगा। जो मकानों में खतरा है वहां से लोगों को पहले से निकाला जा चुका है और उन लोगों को जो दूसरे घरों में शिफ्ट हुए या दूसरी जगहों पर शिफ्ट हुए हैं उन्हें 1.5 लाख रुपए मुआवजे की बात लगातार प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से भी की जा रही है। जी बिल्कुल महिमा, देखिए क्योंकि कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है लेकिन जोशीमठ में बताया जा रहा है कि लगातार दरारें बढ़ रही हैं, क्या ऐसे में और लोगों को भी रेस्क्यू किया जा सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये पहाड़ है और पहाड़ों में चुनौतियां भी पहाड़ से होती है और पहाड़ी लोगों की जिंदगी में मुश्किलें भी पहाड़ से होती है। अब ऐसे में यहाँ की अगर बात करें तो कल से लगातार बारिश भी यहाँ पर हो रही है और मौसम एक बड़ी चुनौती यहाँ पर है। ऊंची चोटियों पर आप देखेंगे तो बर्फबारी भी हो रही है। अब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया कि इसी तरह से बारिश होगी और ऊंची वाली चोटियों पर चूंकि बर्फबारी हो रही है तो इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर भी ये जानकारी मिल रही है कि बर्फबारी आने वाले 1-2 दिनों में हो सकती है, तो इस वजह से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब रही बात लोगों के मुआवजे की और लोगों को शिफ्ट करने की, जो कि आपने सवाल पूछा है, ऑलरेडी जो इन लोगों के घरों में दरारें हैं उन लोगों को शिफ्ट किया गया है, लेकिन जो लोग शिफ्ट किए गए हैं मीरा उनकी तरफ से एक बात यहां पर यह भी कही जा रही है कि जिन जगहों पर उनको शिफ्ट किया गया वहां पर भी दरारें हैं। ऐसे में अगर बाय चांस जहां पर उनको शिफ्ट किया गया है वो घर टूट जाते हैं, होटल वो टूट जाते हैं, छात्रावास या स्कूल जहां उनको शिफ्ट किया गया वो टूट जाते हैं, तो उससे बेटर है कि वो अपने घरों में मर जाएं, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा था। क्योंकि देखिए यहां पर पूरे जोशीमठ
मठ पे हाल यही है। यहाँ पर ना सिर्फ एक घर में दरारें जहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, बल्कि जहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया है, जहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया है वहाँ पर भी दरारें हैं। तो पूरे जोशीमठ का हाल ऐसा ही है, और इसीलिए विपक्ष पे लगातार ये बातें कर रहा है कि अब वक्त आ गया है नया जोशीमठ बनाने का, जहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इस जोशीमठ को बचा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हाल बहुत ज्यादा खराब है। और